माय डियर स्टूडेंट्स आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिक फ़र्क क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्टली लेट मी टीच यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स डेट इंक्लूड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम मौजूद है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन मौजूद होती है लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटीन लिपिड्स ये दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इसकी रीज़न ये है कि इसमें कार्बन मौजूद है इन डेली लाइफ देर आर सम कामन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कैंडल परफ्यूम एंड पेंट्स इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं लेकिन यहाँ पे हमने चंद एक एग्जांपल्स को डिस्कस किया है यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑर्गेनिकैब आर्टिफिशली वाइल इन आर ऑर्गेनिकेट डू नॉट इनकली कार्बन वो कम्पाउंडस जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होती इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इन ऑर्गेनिक कम्पाउंड में जो बेसिक फ़र्क है वो हम यही सीखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होती है लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद नहीं होती लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंडस को फर्दर डिस्कस करेंगे देर आर सम्पल्स ऑफ इन ऑर्गेनिक टेबल सॉल्ट वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेबल सॉल्ट जो है ये सोडियम क्लोराइड है NaCl। वाटर कहते हैं पानी को इसका फार्मूला है एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है इसका फार्मूला है एस आप जानते हैं कि हर जगह पे कुछ एक्सेप्शन होती हैं इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू डायमंड में बेसिकली कार्बन होती है कार्बाइड्स लाइक एल्युमिनियम कार्बाइड साइनाइड आप इसमें सोडियम साइनाइड की एग्जाम्पल जो है वो कोड कर सकते हैं इसी तरह कार्बोनेट्स में आप सोडियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं ये तमाम एग्जाम्पल जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं तो यहाँ पे हमने ये सीखा वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होती वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सेकेंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन मौजूद है यूजली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑपटेन फ्राम अर्थ क्रस्ट देअर फॉर कीप दिस इन माइंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन वाइल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन सेकेंडली एंड फाइनली लेट मी टीच यू वट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इन कंपाउंड फर्स्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑबटेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज से हासिल किया जाता है वाइल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑबटेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बेजान चीज़ों से हासिल करते हैं सेकेंडली ऑर्गेनिक कंपाउंडस आर कलरलेस कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका कलर नहीं होता वाइल्ड इन ऑर्गेनिक आर कलरफुल आप देख सकते हैं कि जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हैं उनका कोई ना कोई कलर होता है तो हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आर कलरफुल और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता थर्डली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी गैस लिक्विड आर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं गैस स्टेट में भी पाए जाते हैं और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं ये अपने जहन में रखिएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं वाइल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉलिड्स फोर्थली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है मोस्टली हम कहते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है मैंने कहा मोस्टली आयनिक बॉन्ड अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने अभी पहले जब वट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा तब भी हमने इनकी एग्जाम्पल्स कोड की थी अब दोबारा से हम कोड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप प्रोटीन की एग्जाम्पल्पल्प ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं लिपिड्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं वाटर टेबल साल्ट वाटर इज टू टेबल साल्ट कुकिंग साल्ट को भी कहा जाता है एन ए सी एल एंड इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम क्लोराइड माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इन ऑर्गेनिक आई होप दैट यू हैव लर्न अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इन ऑर्गेनिक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क फ्रीली गुड लक